मन ने जो मन ले है ओते मन दे च है, जो मन ने मनया नहीं वो मन दे च नहीं है। गहराई नल सुनना, वो नहीं है। नल दूसरा नुक्ता भी मैं बयान कर दिया, मन जिस तो प्रभावित नहीं मन उसनों मनदा भी नहीं, मन जिसनों मनदा नहीं मन उसनों याद भी नहीं करता, मन जिसनों याद नहीं करता उदी प्राप्ति लई ना मनुख समा कढ़दा है, ना यतन करता है, ना उपराला करता है। 24 घंटे मनुख धन दे कमाण वास्ते कढ़ सकता है, 24 घंटे च 1 घंटा भी धर्म वास्ते नहीं है, परमात्मा वास्ते नहीं है, क्यों मन नहीं मनता। ये भी मैं अर्ज कर रहे हैं, मनुख धन दी खातर अपना दीन भी गवा सकता है, दीन दी खातर धन नहीं गवा सकता। ये भी मैं अर्ज कर दिया, मनुख दीन तो प्रभावित नहीं, धन तो प्रभावित है, परमात्मा तो प्रभावित नहीं, पदार्थ तो प्रभावित है, पदार्थों की खातर परमात्मा छोड़िया जा सकता है, परमात्मा की है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। औखे ना होना तो मैं कहन देना, क्योंकि मैं मिशनरी, मेरी जिम्मेवारी है। अगर किसी मनुख ने गुरु की रहत मर्यादा दीन धर्म छोड़े है तो कारण की होगा, धन होगा और की है, पदार्थ होंगे, संसार होगा और की है, इस तो अलावा और की है। दीन बिसारे हो रे दीवाने, दीन बिसारे हो रे। मनुख धन तो प्रभावित है धर्म तो नहीं, मनुख परिवार तो प्रभावित है निरंकार तो नहीं, मनुख पदार्थों तो प्रभावित है परमात्मा तो नहीं। जिस तो मन प्रभावित नहीं मन उसनु मनदा भी नहीं है, मन जिसनु मनदा नहीं मन उसनु याद भी नहीं करता, मन जिसनु याद नहीं करता उदी प्राप्ति लई ना समा है ना संघर्ष। सारी जिंदगी मनुख परिवार तो निछावर कर सकता है, जिंदगी का 10वां भाग भी गुरु वास्ते नहीं है, नहीं है। सारी जिंदगी मनुख पदार्थां तो कुर्बान कर सकता है, जिंदगी का 10वां हिस्सा भी परमात्मा वास्ते नहीं है, जबकि जिंदगी दीती भी उसने है। ये तो हकीकत है, ये तो सच्चाई है। मैं फिर दोहरावा इनू गहरे नाल पकड़ना, मन जिस तो प्रभावित नहीं मन उसनु नहीं मनदा, मन जिसनु मनदा नहीं मन उसनु याद भी नहीं करता। दुनिया भर दे अवतारी पुरुषा ने कहा है परमात्मा नु याद करो, उर्दू च कहिंदे ने याद करना, पंजाबी च कहिंदे ने चेते करना, संस्कृत दे च कहिंदे ने सिमरन करना। सिमरन करना, चेते करना, याद करना इक्को ही गल है, इक्को ही गल है। बार बार याद किसकी आवेगी जिस तो मन प्रभावित है, बार बार मन किसकी मंग करेगा जिस तो मन प्रभावित है। बड़े ध्यान नाल सुनना, मन जिस तो प्रभावित नहीं मन मनदा ही नहीं, मन याद भी नहीं करता, मन कोई परमात्मा तो प्रभावित नहीं। तुसी आखोगे प्रभावित हाँ तां ते गुरुद्वारे आए हैं, प्रभावित हाँ तां ते बाणी पढ़ते हैं, मन मनदा साडा परमात्मा नूं गुरु नूं तां ही ते गुरुद्वारे आउंदे हां। हुण मैं 52 अखरी दा दूजा श्लोक थोड़े सामने रखा गुरु अर्जन देव जी का, यह ते सी कबीर दा। मैं पूरी 52 अखरी की कथा भी बेशतर शहरां विच कीती है, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली इत्यादि। 52 अखरी गौड़ी मल्ला 5वां, 52 अखरी गौड़ी श्री कबीर जी, 52 अखरी एक एक अखर दी महिमा। मां अखर तो कबीर कहंदे ने, मम्मा मन स्यों काज है मन सा दे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा मन सा मिलिया ना कोए, मन जैसा होर कोई नहीं क्यों, एहो मन शक्ति एहो मन सीओ एहो मन पंच तत् को जी। मन शिव नु मने परमात्मा नु मने ते मन परमात्मा हो जांदा है, मन पदार्थ नु मने ते मन पदार्थ हो जांदा है। मन परिवार नु मन लवे ते परिवार दा रूप हो जांदा है, मन निरंकार नु मने ते निरंकार दा रूप हो जांदा है।
तो मन ने परिवार नु परिवार करके मन ले, पदार्थ नु पदार्थ करके मन ले, धन नु धन करके मन ले, मन ने परमात्मा नु परमात्मा करके नहीं मने, नहीं मने। तुसी आखोगे मने ताते आया हूँ फिर गौड़ी मल्ला पंजवा बावन अखरी गुरु अर्जन देव जी। महाराज कहते मन ने मनिया नहीं है, मन मंगता है। ये गुरु नु मनदा नहीं है, गुरु कोल मंगदा है, मंग करके आउंदा है। विष्णु दी पूजा लक्ष्मी करके, लक्ष्मी ना होवे ते कोई विष्णु दी पूजा नहीं। ये परमात्मा नु मनदा नहीं है, मंगदा है। इहदा संबंध मंगण दा है। ते हुण गुरु अर्जन देव जी महाराज दा सलोक सुनो। मम्मा मांगन हार इयाना, देन हार दे रहो सुजाना, जो मांगे तो मांगे भैया, जाते कुशल न कब हो थिया। जद भी ये परमात्मा को मंगदा है, परमात्मा नु छोड़ के बाकी सब कुछ मंगदा है। परमात्मा नु कहिंदा है, मंगदा है, आख है मंगे की देहे देहे, ए भी दे ए भी दे, ए भी मेरे घर आ जाए, ए भी मेरे घर आए, ए भी मेरे घर आए। ते परमात्मा कह दे मैं भी आ जावा, ना ना तू एक पासे रह, तेरी कोई लोड़ ना, तू आएगा तो मेरा सब कुछ बदल के रख देगा। आप दी ग्यातली अर्ज करा, दो तरह दे मनुख सारे संसार देचने, सारे संसार देचने। एक कमजोर मनुख ईश्वर नु इस वास्ते मन रहा है, जो कुछ उस दियां ख्वाहिशां ने पूरियां होवन, जो उस दियां मंगां ने पूरियां होवन। एक शक्तिशाली मनुख, एक ताकतवर मनुख परमात्मा नु इस वास्ते इनकार कर देंदा है, जो उस दियां मंगां ने अगर परमात्मा नु मन लवे तो पूरियां नहीं कर सकता। 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर, अगर रब नु मनदा ते कर सकदा सी। एक कमजोर मनुख परमात्मा नु मनदा है इस वास्ते है कि परमात्मा तो बिना उदियां मंगां दी पूर्ति नहीं होवेगी। एक शक्तिशाली मनुख परमात्मा नु इनकार कर देंदा है, क्योंकि जो कुछ वह चाहता है वह बिना परमात्मा नु एक पासे कीतियां पूरियां नहीं कर सकता। वह तो दुराचार करना चाहता है, वह तो शराब पीना चाहता है, वह तो गुरु नु एक पासे करे गुस्ताखी माफ ताई केसा नु कैंची ला सकता है। गुरु ने एक पासे करे, ऐ कलगीधर तो एक पासे हो, आपां उस्तरा फेरना है, कैंची फेरनी, बार बार मैं माफी मंग लवा, मैं ते नाई दी दुकान ते बैठना है। तू जरा एक पासे हो, तू एक पासे होएगा ते दाढ़ी ते कैंची फेरनी बड़ी औखी हो जाएगी। तू सामने आ गया, कोल बैठ गया, तो फिर मैं उस्तरा किवें चलावांगा, फिर ते कंगा ही फेरना पएगा। बड़े ध्यान नाल सुनना है, भावें दिल शिकनी की गल, पर मैं की करा, सतगुरु का डंडोर छी, अपने फर्ज नु निभाना, निरिया गल्लां करके थोड़े कोल नहीं मैं चले जाना। एक कमजोर मनुख परमात्मा नु इस वास्ते मनदा है कि उस दियां मंगां परमात्मा तो बिना पूरियां नहीं हो सकदियां, उस दियां ख्वाहिशां परमात्मा तो बिना पूरियां नहीं हो सकदियां। एक संपन्न ते जरा शक्तिशाली मनुख परमात्मा नु इस वास्ते इनकारी हो जांदा है, इनकार कर देंदा है, जो कुछ वो करना चाहता है अगर परमात्मा नु एक पासे ना करे तो कर नहीं सकता, वो कर नहीं सकता। अगर खुदा नु मनन वाला औरंगजेब आंदा ते अपने प्यो नु जेल विच पा सकदा सी, वो तीन भरावां दा कातल है, अपने तीन भरा मार दिते, उन्हें वड्डी भैण नु भी जेल विच पाया, उन्हें अपनी बच्ची ते भी जुलम कमाया, ये सब कुछ कर सकता सी। एक कमजोर मनुख परमात्मा नु इस वास्ते मनदा है, परमात्मा तो बिना उदियां इच्छावां दी पूर्ति नहीं होवेगी। एक शक्तिशाली मनुख परमात्मा नु इस वास्ते इनकार कर देंदा है कि अगर उसने इनकार ना करे तो अपनी इच्छावां दी पूर्ति नहीं कर सकता। दोवां दे सामने अपनियां इच्छावां ने, मंग ने, रब की कोई गल नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने मनुख परमात्मा नु मनदा नहीं है, परमात्मा को मंगदा है,
मम्मा मांगन हार याना, देन हार दे रहो सुजाना। जो मांगे तो मांगे बिया, जाते कुशल न कब हो थे। जद भी परमात्मा कोल मंगदा बिया शब्द लेंदे पंजाब दे ते चढ़दे पंजाब दे वरतिया ते जांदा है, पर अर्थ बदल जांदे ने। लाहौर तो परे बिया दे अर्थ होंदे ने होर, बिया दे होर दे, पर लाहौर तो इहदे चढ़दे पंजाब दे बिया दे अर्थ परूथा करदे ने। बई रोटी, कल दी रोटी, बिया भोजन, परूथा भोजन। बह दे अर्थ परूथा करदे ने, लेकिन लाहौर तो परे सरगोधा, सियालकोट, रावलपिंडी इत्यादि ब्याह दे अर्थ होर होर, ब्याह दे होर दे। जो मांगे तो मांगे बिया, जाते कुशल न कब हो थिया। जद भी परमात्मा कोलो मंगदा है, परमात्मा नू छड़ के कुछ होर ही मंगदा है, परमात्मा नू नहीं मंगदा। जो मांगे तो मांगे बिया, जाते कुशल न कब हो थिया। ये परमात्मा नू मनदा नहीं, परमात्मा कोल मंगदा है, परमात्मा नू छड़ के बाकी सब कुछ मंगदा है। इहदा संबंध मंगण दा है। मंगण दा जिसदा संबंध है, महाराज कहिंदे ने इयाणा है, मम्मा मांगन हार इयाणा। शायद आप नू पता होवे, आप ग्रस्ती हो, छोटा मासूम बच्चा ये अजे मंगना ही जानदा है, लैणा ही जानदा है। उहदे कोल पंज खिडौने होवन ते उहदे दूजे भरा कोल इक खिडौना होवे, दोवें छोटे होवन, ते जिहदे कोल पंज ने ना उहनूं कह लईए तू इक इसनूं दे दे, फिर भी तेरे कोल चार हो जाणगे, उहदे कोल दो होणगे, इक खिडौना इहनूं दे। उहदा वस लगे दूजे कोल इक वी खोवेगा, अपने पंजां दे चों इक नहीं देगा। मासूम बच्चा देना जाणदा ही नहीं, लैणा जाणदा है। इस वास्ते महाराज कहिंदे ने, जो हर वक्त मंगदा पिया परमात्मा कोलों, बच्चा है, इयाना है, मम्मा मांगन हार इयाना, देन हार दे रहो सजाना। एक सियाणी मां नूं पता है कि मेरे इस बच्चे नूं, छोटे जे मासूम बच्चे नूं की चाहिदा है। जे उसनूं इतना भी नहीं पता, तो मां होण दा उहदे कोल सुभाग भी नहीं है। क्या परमात्मा नूं इतना भी नहीं पता जीवां दी की लोड़ है। जो मांगे तो मांगे भी आ, जाते कुशल ना कब हो थी। मंगण दा संबंध है, मनण दा संबंध नहीं। हुण मैं अर्ज करदे आं, दो नुकते होर बयान करदे आं ते मैं समाप्ति करां। मनुख परमात्मा नूं मनदा है ते परमात्मा दे मार्ग ते चलदा है, आखिर प्रेरणा कित्थों लैंदा है, कित्थों लैंदा है। इन्हां दो नुकतियां नूं अगर तुसीं पकड़ लिया ते गल मूल थोड़ी पकड़ दे च आ जाएगी। परमात्मा दे ज्ञान करके कोई परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलता। क्यों? परमात्मा ते ज्ञान दोवें कट्ठे मिलते हैं, ब्रह्म ते ब्रह्म दा ज्ञान दोवें कट्ठे मिलते हैं। ये नहीं, ज्ञान अज मिल गया ते ब्रह्म कल मिलेगा, ब्रह्म अज मिल गया ते ज्ञान कल मिलेगा, कता ही नहीं, दोवें कट्ठे मिलते हैं। जिमें कोई ये आखे बड़ी धुप निकली है, बड़ा चानण है, पर कमाल दी गल सूरज ते है ही कोई नहीं, ये किस तरह हो सकता है? जदि इतनी धुप निकली है, इतना चानना है ते सूरज है, पर कोई ये आखे धुप ते बड़ी फैली हुई है, चानना ते बड़ा है, पर की करिए सूरज ते निकलिया ही नहीं, ये गलत है। ते कोई ये आखे सूरज ते सिर ते खड़ा है, निकलिया हुआ है, कमाल दी गल है, चानना ते है ही कोई नहीं, ये किस तरह हो गया? सूरज है तो दिन भी है, दिन है तो सूरज है, सूरज है तो चानना है, चानना है तो सूरज भी है, ब्रह्म है तो नाल ज्ञान भी है, ज्ञान है तो ब्रह्म भी है, ज्ञान है तो भगवान है, भगवान है तो ज्ञान है, दोवें कट्ठे प्रगट होंदे, अगे पिछे नहीं प्रगट होंदे। इस वास्ते ज्ञान करके कोई भगवान दे मार्ग ते नहीं चलता, फिर प्रेरणा कित्थों लैंदा है? यह दो नुकते मैं थोनों बयान कर लगा तो फिर समाप्ति। रायपुर एक तार्किक बंदे ने स्वामी विवेकानंद से एक प्रश्न किया, जिन्हें किसी वक्त किया विवेकानंद ने, अगर भारत को बचाना है तो हर घर गुरु गोबिंद सिंह का एक लाडला होना चाहिए।
उसे तो प्रेरित होके मदन मोहन मालवीय ने भी कह दिता, अगर भारत नु आजाद रखना है, तेरी संस्कृति नु बचाई रखना है, तो हर घर विच गुरु गोबिंद सिंह का एक सिख होवे, मदन मोहन मालवीय जिन्हें बनारस यूनिवर्सिटी नु जन्म दिता। एकदम उन्हां दी गल पकड़ विच आ गई, ये बंदा कित्थों पे बोलता है, क्या मनुख नु अंधविश्वास चाहिए, क्या मनुख नु लोड़ है ब्लाइंड फेथ दी। विवेकानंद बोल पे ब्लाइंड फेथ भी चाहिए, पर एक शर्त दे नाल, जिस ते फेथ करिए वो ब्लाइंड ना हो गए। अंधविश्वास भी चाहिए, पर जिस ते विश्वास करिए वो अंधा ना हो गए। परमात्मा ते प्रकाशमान है, उदे ते अगर पूर्ण तौर ते विश्वास कर दिता ना समझी दे भी, तो यकीन जानो जिंदगी च चानना ही चानना हो जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। पर मनुख उसके मार्ग से किस तरह चले, ज्ञान ते भगवान ते दोवें कट्ठे मिलते हैं। यह जो मैं ज्ञान दियां गल्लां थानू कर रहे हैं, अक्षरी ज्ञान है, अनुभवी ज्ञान नहीं है। अक्षरी ज्ञान सुनन सुनाण वास्ते हुंदा, समझन समझाण वास्ते हुंदा, अनुभवी ज्ञान मनुख नू बदल के रख देता है, मनुख वो नहीं रहेगा। कबीर किसी विद्यालय तो नहीं पढ़े, तो पंडित लोग शूदर नू पढ़ांदे भी नहीं सन। इतना ज्ञान जिहड़ा उनके अंदरों प्रगट होया, उन्हें अनुभवी ज्ञान कहिंदे ने, जिन्हें कबीर की जिंदगी नू ही बदल के रख दिता। अनुभवी ज्ञान मनुख नू बदल के रख देता है, अक्षरी ज्ञान नाल जिंदगी चलती तो है, बदलती कोई नहीं, ये भी मैं कथा ही नहीं बदलती। धुआंधार तकरीर चलदियां ने, पर तकरीर करन वाले भी कोई नहीं बदलते। रात का शेर मैं फिर थानू समझा दें, सुना दें, किससे पता पूछें मंजिले जाना, ऐ खुदा तेरा पता मैं किदे कोल पूछा। किससे पता पूछें मंजिले जाना, ऐ खुदा दस्ते सही मैं तेरे घर का रस्ता किदे कोल पूछा। कौन मैनू दसे, किससे पता पूछें मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिदे कुल तेरी खबर सी, वो ते खबर दसन जोगा ही नहीं सी, चुप खामोश, ते जिड़े खबर दस दे पे ने उन्हां कोल खबर है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं। बड़ी कमाल दी चोट कीती है इस शहर ने। मनुख फिर किस प्रेरणा दे नाल परमात्मा दे मार्ग ते चलता है, क्योंकि ज्ञान ते भगवान ते दोवें कट्ठे मिलते ने। मनुख चलता है मौत दे ज्ञान करके, मरना मूला मरना मौत है। इस वास्ते महाराज कहिंदे ने, परमात्मा दी गल छड़, तू पहले मौत नू कबूल कर। जब किसी निकटवर्ती दी मौत होवे ते मनुख शमशान घाट ते पहुंचे होवे, हिरदा शुद्ध होंदा है, पवित्र होंदा है। सैकड़े दफा जपजी साहब दे पाठ कीते ने, हिरदा शुद्ध नहीं होया, शमशान विच शुद्ध हो गया। ना क्रोध ना लोभ ना काम, हिरदा बैरागी है। उत्थे निकटवर्ती दी मौत नाल हिरदा बैरागी हो जाता है, ते पवित्र हो जाता है, ते जिसनु अपनी मौत दिखाई देवे, अपनी मौत, ये ते निकटवर्ती दी मौत सी, ये ते संबंधी दी मौत सी, चाहे वो संबंधी भरा सी, मां सी, पिता सी, दोस्त सी, निकटवर्ती। निकटवर्ती दी मौत नाल जैसे मौत नेड़े दिखाई देती, हिरदा शुद्ध हो गया। ते निकटवर्ती दी मौत नाल हिरदा इतना शुद्ध हो गया वक्ती तौर पे, ते जे अपनी मौत दिखाई देवे तो कितना हिरदा पवित्र हो जाएगा, कितना हिरदा शुद्ध हो जाएगा। तो महाराज कहिंदे ने, रब दी गल नंबर दो ते तू पहले मरना कबूल कर। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। परमात्मा दे मार्ग ते कोई चलता है ज्ञान करके नहीं, 99 सदी दुख दी चोट नाल चलता है। कोई ज्ञान करके महात्मा बुद्ध परमात्मा नू लब्बन वास्ते नहीं गया, सारे सुख उदे कोल सन, लेकिन उसने एक दिन बीमार नू देखिया, हिरदा चोट खा गया। एक दिन एक लाश देख ली, हिरदा चोट खा गया। एक दिन उसने एक बुढ़े नू देख लिया, हिरदा चोट खा गया। दुख खुद नू लगे या दूजे का दुख महसूस होवे, दुख दी चोट नाल मनुख परमात्मा दे मार्ग ते चलदा है, ज्ञान करके नहीं, कतई ज्ञान करके नहीं। तन
कबर तक पहुंचे, तन शमशान तक पहुंचे, उस तो पहले मन भगवान तक पहुंच जाए तो गुरबाणी कहती है यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवण जान रहे मिले सादा। तन ते अजे शमशान तक नहीं पहुंचया, मन भगवान दे चलीन हो गया, जोत दे जोत हो गया। इनू कहते ने जीवन मुकत, प्रभ की आ गया आत्म हितावे, जीवन मुकत सो कहावे। ये जीवदिया जी मुकत हो गया। कहत कबीर जो हर दयावे जीवत बंधन तोरे, जो हरी का चिंतन करता है जीवत मुकत मुकत हो जाता है। किसी प्रकार के दुखों का बंधन, कल कलेश का बंधन, चिंतावान का बंधन उसते नहीं रह जाता, सारे बंधन उसके टुट जाते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाता है। तो जो जीवन मुक्त नहीं होया, मर के कोई मुक्त नहीं आता। अक्सर ऐसा होता है तन शमशान तक पहुँच गया है, मन भगवान तक नहीं पहुँचया, हुण फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा। तन शमशान तक पहुँचे, उस तो पहले मन भगवान तक पहुँचे। तन मिट्टी दे च मिट्टी होवे, उस तो पहले मन जोत दे च जोत हो जाए तो यात्रा संपूर्ण हो गई। इसे नु गुरबाणी कहती है सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। यात्रा संपूर्ण हो गई, बूंद सागर तक पहुंच गई है, सागर हो गई है, मन प्रभु तक पहुंच गया, परमात्मा का रूप हो गया। हर का भगत सो हर ही जया, हरी दे भगत नु हरी जैसा क्यों कह देता है, उन्हां दा मन जोत दे च जोत हो गया। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। सतगुरदेव जी महाराज रहमत करन, बख्शिश करन। गुरबाणी जिहड़ियां विचारां सन वह मैं थोड़े सामने रखण दी निमाणी कोशिश कीती है। और गुरबाणी ऐसा कहती है जैं सिमरत सब किल विखनासें, पितरी होए उधारो। अपने पितरां नूं जो चले गए ने, इक्को ही चीज़ भेजी जा सकती है, प्रभु दा सिमरन। संकल्प करके बाणी दा पाठ ते प्रभु दा नाम जपे ते मनुख संकल्प करे, ये मेरा जपया होया नाम, ये पाठ, ये मेरी बंदगी मेरे पितरां दी चौली च पै, तो गुरबाणी कहती पै जांदी। जैं सिमरत सब किल विखनासें, पितरी होए उधारो। धन नहीं पहुँच सकता, पदार्थ नहीं पहुँचाए जा सकते, प्रभु दा नाम निराकार है। उस निराकार दुनिया नूं ये निराकार चीज़ भेजी जा सकती है। हुण इत्थे ही समाप्ति। जो कुछ आपने सरवण कीता है सुन के थोड़े हिरदे च वसे, सुना के मेरे हिरदे च वसे, थोड़ा सुनया होया सफल होवे, मेरा सुनाया होया सफल होवे। बार बार सारिया का धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का।